हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब बहुत जल्द अंतरिक्ष में महिला रोबोट को भेजने का ऐलान कर चुकी है। इसरो के मुताबिक जिस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसका नाम व्योम मित्र दिया गया है। आपको बता दें, ये महिला रोबोट मानव रहित अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। क्या है व्योम मित्र की खासियत? गगनयान की उड़ान से ठीक पहले इसरो व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा और वहां पर मानव शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा। व्योम मित्र रोबोट बातचीत कर सकता है और लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है। इस व्योम मित्र के पैर न होने के कारण ये केवल आगे और साइड में झुक सकता है। रोबोट व्योम मित्र ने क्या कहा? रोबोट व्योम मित्र ने मीडिया को अपना परिचय देते हुए कहा, हाय, मैं हाफ ह्यूमनॉइड यानी इंसानी का पहला प्रोटोटाइप हूँ। मैं मॉड्यूल मापदंडों के माध्यम से निगरानी कर सकती हूँ, आपको अलर्ट और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हूँ। मैं स्विच पैनल ऑपरेशन जैसी गतिविधियाँ भी संचालित कर सकती हूँ। वहीं इसरो के वैज्ञानिक सैम दयाल ने मीडिया से बातचीत में बताया, व्योम मित्र अंतरिक्ष में एक मानव शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा और हमारे पास रिपोर्ट भेजेगा। हम इसे एक परीक्षण के रूप में अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्योम मित्र अपने आप में बेहद खास रोबोट है। ये बात कर सकता है, मानव को पहचान सकता है। ये रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप की नकल कर सकता है। गौर हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना गगनयान परियोजना को इसरो 2020 में अंजाम तक पहुंचाएगा। उससे पहले अंतरिक्ष की तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए इसरो ने मानव रहित विमान भेजने का फैसला लिया है, जिसमें रोबोटिक व्योम मित्र महिला को भेजा जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।